धरती पर सजीवों की जीवन क्रिया सही तरीके से शुरू रखने के लिए कुदरत ने अपने कुछ नियम बना रखे। सृष्टि के ऐसे ही नियमों में से एक है मौसम। ठंडी, गर्मी और बारिश ये मौसम के ऐसे पहलू हैं जो धरती पर मौजूद हर एक जीवों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इन्हीं में से एक है बारिश। जब बारिश के दौरान आसमान से ठंडे पानी की बूंदें धरती पर बरसती है तो हम इंसानों को, जानवरों को और सभी पेड़ पौधों को एक नई उम्मीद मिल जाती है। बारिश के कारण हमें पानी जैसे अनमोल जीवन की प्राप्ति हो जाती है। पर यह एक रहस्य बन जाता है जब आसमान में पानी के जगह खून और मछलियाँ ही बरसने लग जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक कुदरत द्वारा बरसाए गए कुछ अनोखी बारिश के बारे में, जिसे देखकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के अंत में इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नंबर एक, रेड रेन। ये घटना सन 1957 में केरला में घटी है। वो जुलाई का महीना था और लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे थे और अचानक ज़ोर से बारिश होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से लोग ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ये बारिश किसी साधारण पानी की बारिश नहीं बल्कि लाल रंग के पानी की थी। ये नज़ारा किसी खतरनाक दृश्य की तरह लग रहा था, मानो जैसे खून की ही बारिश हो रही हो। ये बात जब साइंटिस्ट को पता चलती है तो वे इसकी रिसर्च में लग जाते हैं। साइंटिस्ट का कहना था, अगर ये खून है तो यकीनन इसमें डीएनए भी मौजूद होगा, पर इन्हें उसमें कोई डीएनए नहीं मिला। पर साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि ये किसी लाल कलर के एल्गी के वजह से हो रहा है, जिसके बीजाणु हवा के कारण बारिश के बूंदों के साथ मिल गए होंगे और जिनके वजह से ये पानी लाल कलर का बन गया होगा। पर इसके पीछे का सही कारण किसी को नहीं पता चल सका। नंबर दो, स्पाइडर रेन। मकड़ियों का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, पर अगर मकड़ियों की बारिश होने लगे तो सोचो उनका क्या हाल होगा। मकड़ियों की बारिश ये सुनने में आपको अजीब लगता हो, पर यह सच है। दुनिया में कई जगहों पर मकड़ियों की बारिश देखने को मिलती है, पर इसके पीछे प्रकृति का हाथ नहीं बल्कि इसका कारण ये खुद मकड़ियाँ है। ये मकड़ियाँ पैराविक्स प्रजाति की होती है, जो अपने जाल को बुनकर कई मीटर लंबा रास्ता तय करती है। ये सभी मकड़ियाँ मिलकर अपने जाल को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बना देती है। उनके जाल पतले होने के कारण वो आसमान में दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हवा के कारण जाल का एक हिस्सा टूटता है तो सभी मकड़ियाँ एक एक कर ज़मीन पर गिरने लग जाती है, और उससे ऐसा महसूस होता है मानो जैसे मकड़ियों की बारिश हो रही हो। नंबर तीन, फिश रेन। लोग मछलियाँ खाना पसंद करते हैं और ये बाज़ार में महंगी मिल जाती है, पर क्या हो अगर आसमान से पानी की जगह मछलियाँ ही बरसने लग जाए। मुझे पता है आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। ऐसा नज़ारा एक बार नहीं बल्कि धरती पर कई बार देखा जा चुका है, जब बड़ी बड़ी मछलियाँ बारिश के साथ ज़मीन पर आ गिरती है। ऐसी घटना थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पर घट चुकी है, और इस अविश्वसनीय घटना के पीछे हाथ है तूफान का। जब समंदर में तूफान आता है तो वो हवा के साथ साथ समंदर के पानी को भी बादलों में ले जाता है। कई बार पानी के साथ साथ उसमें मछलियाँ भी मौजूद होती है, और जब कुछ देर बाद वो बादल बरसने लगते हैं तो पानी के बूंदों के साथ साथ मछलियाँ भी बरसने लगती है, मानो जैसे मछलियों की ही बारिश हो रही हो। कई मछलियाँ उनमें से जिंदा भी होती है, पर कुदरत का ये हैरतअंगेज कारनामा सच में हैरान कर देने वाला है। नंबर चार, मिल्की रेन। 6 फरवरी साल 2015 में अमेरिका के वॉशिंगटन और ओरेगन इलाके में एक अजीब तरह की बारिश गिरती है, जिसके कारण वहाँ के लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये बारिश किसी आम तरह की बारिश नहीं बल्कि इस बारिश के पानी का रंग सफ़ेद था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो दूध की ही बारिश हो रही हो। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था आखिर ये बारिश कैसे हो रही है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च किया तब उन्होंने ये दावा किया कि ये सफ़ेद बारिश ज्वालामुखी से निकलते धुएं के कारण हो रही थी। जब उस ज्वालामुखी की राख हवा के साथ साथ बारिश के पानी में मिल जाती है तो ये पानी दूध की तरह सफ़ेद होने लगता है। अमेरिका के उस इलाके के पास में ही वोल्केनो मौजूद थे, जिसके कारण ये संभव था। नंबर पाँच, मनी रेन। अभी तक आपने जिस जिस बारिशों को देखा उनमें से अगर आप किसी बारिश को गिरते हुए देखना चाहेंगे तो वो है ये पैसों की बारिश। पर ये कुदरत का कारनामा नहीं बल्कि ये इंसानों द्वारा की गई गलतियों की वजह से होता है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। सन 1957 में फ्रांस में पहली बार पैसों की बारिश का नज़ारा देखा जा चुका था, और 1975 में शिकागो में भी ऐसे ही आसमान से डॉलर बरसना शुरू हो गए थे, पर इसके पीछे का कारण बाद में पता चल गया। ये पैसे चोरों द्वारा चुरा के ले जाए जा रहे थे, पर हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी के कारण उनके पैसे जहाज से उड़कर नीचे गिर गए थे,
और लोगों ने इसे कुदरती रूप से पैसों की बारिश समझ लिया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इनमें से कौन सी बारिश अपने आंखों से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।